वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम रुचि। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि इसमें मेरे से ये बोला गया कि दीदी या मैम, आप कुछ ऐसा बताइए कि हम अपने एक्ने और पिंपल्स को इमिडिएटली ठीक कर सकें, यानी कि ज़्यादा समय ना लगे और बहुत ही किफ़ायती इन्ग्रीडियंट के साथ हमारा जो पिंपल्स और एक्ने हैं वो सही हो जाए। सो सबसे पहले जान लीजिए, पिंपल्स एक्ने ज़्यादातर गंदगी की वजह से होते हैं, यानी कि अगर डर्ट होती है स्किन में या बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप सन के संपर्क में, यानी कि सूर्य की किरणों के संपर्क में रहते हैं या बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तब भी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप अगर ये सब चीज़ लेते हैं, खाते हैं, आपको पसंद है, तो थोड़ा सा कम कीजिए, यानी कि अवॉइड कीजिए। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा पानी पीजिए। पानी पियेंगे तो ये अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि पानी ऐसा तब पीते हैं जब उनको प्यास लगती है। सो सिर्फ प्यास लगती है तब आपको पानी नहीं पीना है, पानी तो आप कभी भी पी सकते हैं। ऐसा अगर सिंपल आपको पानी पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हम इतना पानी कैसे पिए, तो आप ग्लूकोन डी डाल के या फिर शरबत बना के या शिकंजी बना के भी इस तरीके से पी सकते हैं। उससे भी आपको इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि अंदर से ताकत मिलती है और जो आपकी स्किन है वो तो हेल्दी होती है, साथ ही साथ बॉडी में एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है। सो ये एक अच्छा जरिया है कि इससे आपकी बॉडी में पानी भी जाएगा, यानी कि पानी की कमी नहीं होगी। क्योंकि कितने सारे आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो हमेशा पसीना जो आता है तो उसके रूप में पसीना तो हमेशा ही, चाहे आप गर्मी हो, ठंड हो, जो भी हो, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पसीना स्वेट आते ही हैं। तो जिनको, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेट आते हैं, पसीने आते हैं, तो पानी अगर नहीं पियेंगे तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक्ने या पिंपल के रूप में फेस में दिखते ही है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा जिनको पसीना आता है। तो कोशिश कीजिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे और साथ ही आपका हेल्थ भी हेल्दी रहे। सो अब हम बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ कि एक्ने एंड पिंपल्स के लिए सबसे इफेक्टिव ऐसा क्या है जो कि आप अपने फेस पे अप्लाई करें, जहाँ पे भी आपको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ कुछ एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े निकलते हैं, उनके अंदर लिक्विड भी भरा होता है और उसको फोड़ना भी नहीं चाहिए, यानी कि आपको उसे पील नहीं करना है, टच नहीं करना है। और अगर टच कर देते हैं, पील कर देते हैं, तो वो स्प्रेड होकर अनदर जगह पर फैल सकता है, वहाँ पर भी निकल सकता है। और कुछ एक्ने और पिंपल ऐसे होते हैं जो कि पेन करते हैं, सो बिल्कुल वो पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, और अगर फेस पे निकल जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आज मैं आपके साथ रेमेडी ऐसी शेयर करूंगी जो कि इफ़ेक्टिव भी है और सारी चीज़ें इजीली आपको आपके घर में मिल जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास रॉ है तो आप रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी को बनाना। वीडियो में नए हैं, चैनल में नहीं हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपसे मिस ना हो सके। एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पे एक क्लीन बोल, और उसके बाद आपको सबसे पहला चीज जो है वो लेना है नीम पाउडर। सो गाइज, नीम पाउडर जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होता है। ये आपके जितने भी एक्ने एंड पिंपल होता है उसे फाइट्स करके उसको रिड्यूस करने का हेल्प करता है, साथ ही कोई भी अगर स्किन में इरिटेशन हो रही हो उसको भी दूर करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए तुलसी पाउडर। आप चाहे तो नीम एज अ रॉ है आपके पास, घर में पेड़ है, तो आप नीम की पत्तियों को धुल करके और तुलसी की पत्तियों को धुल करके उनको एक साथ मिक्सी में ग्राइंड करके उनका जूस भी निकाल के बना सकते हैं, और अगर पाउडर है तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाफ स्पून आपको यहाँ पे चाहिए तुलसी का पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें डालना है एलोवेरा जेल। मैं ऐसा आपको DIY नाइट क्रीम बता रही हूँ, जिसको आपको लगा के रात में सो जाना है, जब भी आप सोने जा रहे हो तब आपको इसे अप्लाई करना है। सो इसके बाद हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। आपको यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेना है, क्योंकि वो प्रिजर्व नहीं रहता है। सो इस क्रीम को आपको प्रिजर्व करना है, यानी कि लॉन्ग समय के लिए, तो आपको यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेना होगा। सो आप कोई भी किसी भी ब्रांड का, चाहे पतंजलि का हो या फिर अनदर किसी भी ब्रांड का हो, जो भी आपके पास हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ पतंजलि का, तो 1 स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे एंड 1 स्पून और हम ऐड करेंगे इसमें, तो लगभग 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल के लिए हैं, और मिक्स कर देंगे इन्हें हम।
तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, बिल्कुल अच्छे से ये स्मूथली आपका रेडी हो जाए। एंड इसके बाद आपको इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड करनी है। आप चाहे तो विटामिन ई का ऑयल आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है इस तरीके से, और किसी भी कंटेनर में या फिर कोई भी क्रीम जो कि आपका खाली हो गया हो आप उसमें इसको रख दीजिए। सो इसे लगातार इस तरीके से चलाना है। चलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं। सो गाइज मैंने इसे निकाल दिया है एक कंटेनर में। आपको इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, एंड इसके बाद डेली आपको रात में इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे हैंड में भी लगा के दिखा दे रही हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इसको लेना है और जहाँ पे भी आपको एज अ पिम्पल एक्ने की प्रॉब्लम है वहाँ पे इसको इस तरह से स्प्रेड कर देना है। आप चाहें तो इसे अपने पूरे फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत ही ईजली ये स्प्रेड हो जाएगी आपके फेस पे एंड एकदम स्किन वहाँ पे ये एब्जॉर्व कर लेगा। इस तरीके से देखिए आपकी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्व कर लेगा और ड्राई हो जाएगा। सो आपको जब भी रात में आप सोने जा रहे हो उस टाइम इसको अप्लाई करना है। फेस पे कैसे अप्लाई करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। बहुत ही ईजली मेथड है इसे बनाना भी और इसे इस्तेमाल करना भी। सो आप यहाँ पे फिंगर की जगह कॉटन बड का इस्तेमाल कीजिए। कॉटन बड लेंगे एंड इसमें इसको आपको डिप करना है, और आप अपने जहाँ जहाँ पे आपको एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है आप वहाँ लगा सकते हैं। सो मैं आपको एज अ फिंगर से बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको हाथ में दिखाया लगा के कि इस तरीके से। अगर आपकी यहाँ पे ज़्यादा है, इस जगह ज़्यादा है, तो आप एक ही जगह पे पूरा स्प्रेड कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर अगर एक एक कहीं कहीं है तो आप कॉटन बट का इस्तेमाल कीजिए। सो मैं यहाँ पे ऐसा दिखा रही हूँ कि जैसे आपको एक एक जगह है तो आप कैसे लगाना है। यहाँ पे लगाया आपने, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और फिर अगर आपकी यहाँ पे ज़्यादा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं पूरा आपको बता दे रही हूँ आपको किस तरीके से इसको लगाना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा है इतने अराउंड में तो आपको ऐसे लगाना है अपने फेस पे, और अगर पॉइंट पॉइंट करके है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर ये स्प्रेड भी हो जाता है पूरे फेस पे तो कोई बात नहीं, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें नीम और तुलसी मिक्स है। ये दोनों ही एक्ने और पिंपल्स से फाइट करके उनको रिड्यूस कर देती हैं और आपकी स्किन को एकदम क्लियर कर देंगी। यानी कि आपके एक्ने के जो पिंपल्स के जो मार्क रह जाते हैं, दाग रह जाते हैं, वो भी ये हमेशा के लिए दूर कर देंगी। इस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, और इसको कब इस्तेमाल करना है आपको डेली रात में इसको सोने से पहले इस्तेमाल करना है। यानी कि नाइट क्रीम जो आप लगाते हैं उसको अगर आपने लगाना है, आप उसको नहीं छोड़ना है, तो आप उसको लगाइए, उसके एक घंटे बाद आप इसको लगाइए, तुरंत बाद मत लगाइए। या फिर आप कुछ टाइम के लिए स्किप कर दीजिए अपनी नाइट क्रीम एंड एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए रिड्यूस कीजिए, उसके बाद आप अपनी नाइट क्रीम स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको किस तरीके से लगाना है, इसको डेली रात में लगाना है, दिन में नहीं लगाना है। सुबह मॉर्निंग में जैसे भी आप अपना काम करते हैं, उठते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, उस तरीके से आपको करना है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। सो उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छी लगे और चाहते हैं कि और लोग इससे बेनिफिट ले सकें तो इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।